दोस्तों ये दो सैंपल्स देखिए, ये सेल्फी पोर्ट्रेट मोड है, और क्या आपको लगता है ये जी कैम से लिया हुआ है या स्टॉक कैमरा ऐप से लिया हुआ है? बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये ना इसके लिए मैंने जी कैम यूज किया है ना स्टॉक कैमरा ऐप यूज किया है। तो मैंने अपने Xiaomi Mi 1 में जी कैम डाला था 6.1, और उसके बाद मुझे बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जी कैम नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, तो हमें पोर्ट्रेट मोड में फोटोज चाहिए पर विदाउट जी कैम। तो ऐसे आप पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे फोटोज ले सकते हैं विदाउट जी कैम, और इसके लिए कैमरा टू API इनेबल करने की जरूरत नहीं है, और आप किसी भी डिवाइस में इसको यूज कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। पर दोस्तों यहाँ पे 500 लाइक का टारगेट रखते हैं, मुझे पता है आप जरूर कंप्लीट कर रहे होंगे इस रिसर्च के लिए 500 लाइक। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका एज डिटेक्शन काफी एक्यूरेट है, आपको कहीं भी यहाँ पे ब्लर इफेक्ट कम ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये Xiaomi Mi 1 में भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट काफी अच्छे से मिलता है, और Xiaomi Mi 1 में ये सबसे ज्यादा यहाँ पे अच्छे से यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फोटो को यहाँ पे जूम किया था, तो यहाँ पे मैं जूम कम कर देता हूं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जी कैम के फोटोज नहीं है, आपको नीचे लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको पूरा यहाँ पे मैं प्रोसेस बता देता हूँ, वही बस प्रोसेस आपको फॉलो करना है। दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ब्यूटी प्लस, और ये ऐप आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसे ओपन कीजिए। दोस्तों हमारा लेटेस्ट ब्यूटी प्लस ऐप डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे ओपन कीजिए, कैमरा पे टैप कीजिए, यहाँ पे नीचे स्टूडियो का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्फी खींच लेना है। तो यहाँ पे मैं Mi 1 यूज कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पे सेल्फी खींच लेते हो तुरंत ही उसके बाद 3-4 सेकंड ये लगाएगा पूरा प्रोसेस करने में, और उसके बाद आपको ब्लर इफेक्ट काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा। तो गाइज ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।